Good morning, students. Welcome to BBN online classes again. In our last class, we have studied about the cellular part or cell organelles, lysosomes. Lysosome is known as the suicidal bags of the cell. Suicidal bags कहते हैं अपन lysosomes को. क्यों कहते हैं? They have digestive enzymes. और वो digestive enzymes क्या करते हैं? Break down करते हैं foreign particles को, food particles को. डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. जब भी सेल में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, मेटाबॉलिक डाइजेशन जो होता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है. तो डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है? सेल जो है लाइसोसोम्स की जो कवरिंग है वो बर्स्ट हो जाती है. बर्स्ट होने के बाद उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो सेलुलर पार्ट जो होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और वेरियस सेलुलर पार्ट्स को वो डाइजेस्ट करने और ब्रेकडाउन करने लग जाते हैं. इसकी वजह से क्या होता है? जो सेलुलर पार्ट्स होते हैं दूसरे वो भी डाइजेस्ट होने लग जाते हैं और उसकी वजह से सेल क्या हो जाती है? डेड. तो इस वजह से उसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यू अपन पढ़ रहे थे. नेक्स्ट जो अपना सेलुलर सेल ऑर्गेनल्स या सेल एपरेटस है वो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहेंगे? जैसे जनरल अपन बात करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, लाइट आती है जनरली, वो कहाँ से आती है बेटा? कहाँ प्रोड्यूस होती है? वो पावर हाउस में है ना, वहाँ से वो सप्लाई होती है. वैसे ही अपनी जो सेल है, अपनी जो बॉडी है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसके लिए इसको कहेंगे अपन पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, जनरल अपन डायग्राम की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, दे हैव टू मेम्ब्रेन्स. उसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बाहर वाली, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? पोरस होती है. मीन्स कि इसमें कोई फोल्ड्स नहीं होते है ना, ग्रूव्स नहीं होते. फोल्ड्स मीन्स दैट शीट, ये फोल्ड्स हैं. तो जो आउटर सरफेस है उसमें कोई भी ऐसा ग्रूव नहीं है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी पोरस. एंड इनर मेम्ब्रेन हैज़ डीपली फोल्डेड. लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं. जनरल डायग्राम बनाया अपन ने, तो बहुत सारी ग्रूव्स या फोल्ड्स होते हैं. ठीक है, तो फोल्ड्स की वजह से, फोल्ड्स हैं इसकी वजह से, ये फोल्ड जो होते हैं वो जो एनर्जी का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं. ग्रूव्स जो हैं वो एनर्जी की सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं. मीन्स की सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं, ये बेटा हो गई आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, जो बहुत ही पोरस होती है, कोई ग्रूव्स या फोल्ड्स नहीं है उसमें. इनर मेम्ब्रेन पे फोल्ड्स होते हैं, उसको अपन ने बता दिया कि ये इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, अब देखिए स्पेस है कहाँ पर, ये वाला स्पेस देखिए, सब जगह ये वाला स्पेस है. तो आउटर सरफेस और इनर सरफेस जो है, इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बीच क्या है? स्पेस है. तो स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच क्या है बेटा? देखो ये स्पेस है, दिख रहा है? तो ये स्पेस जो है उसे कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. क्या कहेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि ये जो आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, इस इनर मेम्ब्रेन में क्या है बेटा? लिक्विड पार्ट्स हैं. क्या है? मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको. सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर कोई लिक्विड पार्ट होता है तो अपन उसको कहते हैं मैट्रिक्स. क्या कहेंगे? मैट्रिक्स. तो इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको मैट्रिक्स कहेंगे. और जो ग्रूव्स है ना, आपको ग्रूव्स दिख रही है, दीज आर नोन एज क्रिस्टीज. ये ग्रूव जो होती हैं उसको अपन कहते हैं क्रिस्टी. ठीक है, तो डायग्राम की अपन बात कर रहे हैं,
दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको अपन कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर कुछ लिक्विड पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं मैट्रिक्स। ये ग्रूव जो होती हैं, ये ग्रूव्स होती हैं क्रिस्टीज, ये जो ग्रूव है इसको अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन ने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर है दे हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, दो मेम्ब्रेन कवरिंग है। आउटर मेम्ब्रेन वेरी पोरस, आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है, स्मूद होती है, ग्रूव्स लेस होती है, फोल्ड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड इनर मेम्ब्रेन है डीपली फोल्डेड, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड्स में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपन बात कर रहे हैं एनर्जी सोर्स या एनर्जी की यूनिट की, है ना। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है बेटा उसको अपन डिनोट करते हैं एटीपी की फॉर्म में। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाती है। एटीपी क्या है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी की करेंसी होती है, करेंसी ऑफ द एनर्जी, इसको करेंसी कह सकते हैं अपन, यूनिट कह सकते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो है करेंसी है अपन कहेंगे तो वो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट जो होते हैं वो कितने हैं, तीन हैं। तो एटीपी जो है उसकी फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस और स्टोर करता है। और ये एटीपी जो है बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शंस हैं उनको प्रोड्यूस कराने में, उनको मेंटेन करने में, मैकेनिकल फंक्शंस जो होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होती है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है राइबोसोम का। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब खुद का राइबोसोम, मतलब वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, दे हैव ऑन देयर डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड दे मेक द प्रोटीन्स फॉर द सेल, और ये अपने आप खुद जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये जनरल अपना एक छोटा सा टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस होती है, दो सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर इनर, आउटर मेम्ब्रेन वेरी पोरस होती है, कोई फोल्ड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं, तो फोल्ड्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एनर्जी का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। लिक्विड पार्ट अगर अंदर इनर मेम्ब्रेन में फिल्ड है तो उसको अपन क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। ये ग्रूव जो होती हैं वो क्रिस्टी होती हैं। एटीपी का ये प्रोडक्शन या करेंसी जो है एनर्जी की वो प्रोड्यूस कराते हैं, स्टोर्ड कराते हैं। अपना खुद का डीएनए होने की वजह से, राइबोसोम होने की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है या प्रोटीन भी बनाता है। ठीक है, तो ये है अपना एक सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन प्लास्टिड्स। All the best.